तो सीधा लिए चलते हैं गरियाबंद, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बोनस तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय पंचायत मुख्यमंत्री जी का पुष्प हार से स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। गोवर्धन श्री माझी जी संसदीय सचिव महोदय से आग्रह है कि आप माननीय अजय चंद्राकर जी ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी का पुष्पहार स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। माननीय संतोष उपाध्याय जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पहार स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। डॉक्टर सुनीता शर्मा जी से आग्रह है कि आप माननीय चंदूलाल साहू जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। पारस ठाकुर जी से आग्रह है कि चंदा पंचायत गरियाबंध से माननीय गोवर्धन मांझी जी का संसदीय सचिव महोदय का स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। माननीय श्रीमती मिलेश्वरी साहू जी से आग्रह है कि पुष्पगुच्छ से माननीय संतोष उपाध्याय जी का स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। पुष्कर कपिल जी से अध्यक्ष नगर पंचायत मानपुर जी का आग्रह है कि डॉक्टर सुनीता शर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। श्रीमती पूर्णिमा तिवारी जी से आग्रह है कि माननीय चंद्रशेखर ठाकुर जी का छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष महोदय का स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। अब मुख्यमंत्री जी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं नामों का पठन शीघ्रतापूर्वक कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती उर्वशी निदाम जी सरपंच ग्राम पंचायत बारा गांव, श्रीमती नेहा सिंघल जी अध्यक्ष जनपद पंचायत देवघर, सुमन भाई सोन जी अध्यक्ष जनपद पंचायत गरियाबंद, श्रीमती धनेश्वरी मरकाम जी अध्यक्ष जनपद पंचायत छोड़ा, श्री जितेंद्र साहू जी अध्यक्ष जनपद पंचायत भिंगेश्वर, डॉक्टर राम कुमार साहू जी जिला भाजपा अध्यक्ष, डबरूधर पुजारी जी पूर्व विधायक बिंद्रानगर क्षेत्र, पुनीत राम साहू जी पूर्व विधायक राजे क्षेत्र, भागवत हरित जी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, संदीप शर्मा जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, भागीरथी माझी जी जिला अध्यक्ष वन प्रबंधन समिति, निखिलराम यादव जी जिला महामंत्री भाजपा, पुनीत राम सिन्हा जी जिला महामंत्री भाजपा, प्यारेलाल शंकर जी जिला कोषाध्यक्ष भाजपा, अनिल चंद्राकर जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, जितेंद्र सुनकर जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, योगेश शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, छत्तर सिंह ठाकुर जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, श्रीपांच साहू जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, श्रीमती विभा अवस्थी जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, श्री भिखू भाई मयाणी जी जिला मीडिया प्रभारी भाजपा, मुरलीधर सिन्हा जी प्रदेश प्रचार प्रसार मंत्री सहकारिता प्रकोष्ठ, राजेश साहू जी प्रदेश मंत्री भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा, गप्पू मेमन जी प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, आशीष शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, अशोक राजपूत जी प्रदेश संयोजक नमामि गंगे प्रकल्प भाजपा, अजय रोहरा जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा युवा मोर्चा, कांति मकाम जी जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद, रेखा सोनकर जी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय उर्मला पात्र जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद, माननीय रतन मांझी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, माननीय अनुप भोसले जी भाजपा मंडल अध्यक्ष गरियाबंद, माननीय पूनम यादव जी मंडल अध्यक्ष भिंगेश्वर, माननीय सत्यकाश साहू जी मंडल अध्यक्ष राजीव, माननीय प्रीतम सिन्हा जी मंडल अध्यक्ष मानपा, माननीय लेखराज बुलवा मंडल अध्यक्ष बुला, माननीय रामदास वैष्णव मंडल अध्यक्ष मैनपुर, माननीय केवलराम यादव जी मंडल अध्यक्ष भोलागढ़, माननीय चंद्रशेखर मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, माननीय पूर्णिमा चंद्राकर जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, माननीय संजीव चंद्राकर जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, माननीय नीलकंठ पीसी जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरावर्ण मोर्चा, माननीय चमन बघेल जी जिला अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, माननीय हरमन भिवा जी जिला अध्यक्ष भाजपा जनजाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा, माननीय फारूक चौधरी जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, माननीय सुरेंद्र सोनटेके जी भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री गरियाबंद, माननीय ईश्वर वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री गरियाबंद, माननीय
पूरा काम विजय प्रसाद भारती
संदीप धामे जानी विकास साहू अमीन मेहमान अफरोज मेहमान रमन कुटरेजर वेद पोत्रा प्रसाद कटरिया प्रभु ज्योति सिंह शुभम कंसारी महावीर अग्रवाल अनिल सिदरानी संध्या सिदरानी प्रतीक पटेल दीपक तिवारी नवीन लालवानी और मोहन साहू और स्वागत की जो कड़ी चल रही थी उस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो श्री जीभर ठाकुर जी देवो श्री गौतम नागिर जी देवो श्री गंध्याम प्रसाद जी युवा मोर्चा मैत्री श्री विजय साहू जी किसान मोर्चा श्री देवेंद्र ठाकुर जी सरपंच कुमारपुरा श्री सुपेलुआ के सरपंच जागरपाड़ा श्री नीलेश्वर नागिर सरपंच गारागा श्री माधव पारी सरपंच पंथिया श्री रोहित साहू सरपंच सिमतरा श्री धर्मन साहू जी ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत बसंतरा श्री साहू सरपंच ग्राम पंचायत बेंजरा श्रीमती दाली साहू सरपंच ग्राम पंचायत कोकड़ा श्रीमती रेणुका साहू सरपंच ग्राम पंचायत पुनी श्री स्वर सिंह नागे सरपंच ग्राम पंचायत भागुरा श्री देवंत सिंह सरपंच ग्राम पंचायत बिहारपुरा श्रीमती सरिता सिंह सरपंच ग्राम पंचायत मैनपुर श्रीमती हिमाली बाई मांझी सरपंच गोरखपदा श्री सेवा पुजारी सरपंच ग्राम पंचायत अनुपदा श्री वीरेंद्र सिंह गुरु सरपंच कोकड़ी यशवंत सूरी जी सरपंच ग्राम पंचायत कोपे कहा इससे बड़ी साइज का गजमाला एक गेंदे की माला के बाद इम्पोर्टेड गुलाब के फूलों की माला बड़ी साइज की गजमाला गुलाब की माला। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड आर के गांधी हमसे जुड़ गए। आर के गांधी जी, अब बारी गरियाबंद के किसानों की, कितनी खुशी की लहर देखी जा रही किसानों में? आप खुद फुटेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे किसान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जैसे ही गरियाबंद पहुंचे यहाँ पे स्थानियों की गड़गड़ाहट के साथ में तमाम किसानों ने इसका स्वागत किया। और गरियाबंद की खास बात यह है कि ये नया जिला है और इसकी स्थापना का श्रेय भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जाता है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री रमन सिंह आज ये बोनस तिहार में गरियाबंद जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे शामिल हो रहे हैं और यहाँ पे किसानों को करीब 73.49 करोड़ से अधिक का बोनस की राशि यहाँ पर वितरित करेंगे और 2,28,97,00,000 के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जिस तरह से गरियाबंद में जो 37 निर्माण कार्य का लोकार्पण यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया है और 156,41,00,000 रूपये की लागत के नए स्वीकृत जो 12 कार्यों का शिलान्यास या भूमिपूजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पहुंचे और यहाँ पे संयुक्त जिला कार्यालय जो यहाँ पे एक बड़ी सौगात है गरियाबंद से मिली है और जिला पंचायत कार्यालय के फोन का उन्होंने लोकार्पण पहले किया और पुलिस परेड ग्राउंड में जो यहाँ पे ये जो धान बोनस तिहार चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए हैं और किसानों को यहाँ पे धान की बोनस की राशि जो वितरित करेंगे और चाहे को हित मूलक जो वस्तुओं का वितरण भी यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किया गया उसमें करीब 23,33,00,000 रूपये की लागत से जो नवनिर्मित जो संयुक्त जिला कार्यालय भवन है, 2 करोड़ रूपये की लागत से नवीन जिला पंचायत भवन है, 1,50,00,000 रूपये की लागत से जिला पंचायत संसाधन केंद्र है, 2,13,00,000 रूपये की लागत से मैनपुर का जो शासकीय महाविद्यालय भवन है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया है और 40,00,000 रूपये की लागत से कपाड़ावासीय महाविद्यालय का केसर डोर इसका भी यहाँ पे लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया है और 16 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाला एकलव्य आवासीय विद्यालय, 6 करोड़ रूपये लागत का चलन पदर व्यय प्रवर्तन मैनपुर, 3,50,00,000 रूपये लागत से 2 वृहद स्कूल। तो ये कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पे आज गरियाबंद जिले वासियों को दी गई है और जिन कार्यों का यहाँ पे शिलान्यास किया गया उसमें आमदी नगरी मार्ग पर सोनडू नदी पर पुल का यहाँ पे शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। तो इसके अलावा सिक्काताल बांध सुरक्षा कार्य तथा यहाँ पे 6 सड़कों का शिलान्यास एवं डोंगरी गांव में 1 करोड़ रूपये की लागत से विद्युत उपकेंद्र की स्थापना इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर महान जो तिहार चल रहा है इस तिहार के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो जिले की आवश्यकता जो स्थानीय आवश्यकता है उसको भी पूरा करते नजर आ रहे हैं और देखिए पारंपरिक के जो वेशभूषा है उससे भी यहाँ पे सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। किसानों से यहाँ पे हाथ मिलाते भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तमाम किसानों का जो आदर स्वीकार कर रहे हैं, मुख्य ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है चाहे वो दिल्ली के संसद में जो प्रतिनिधित्व करते हैं क्षेत्र का जैसे चंदूलाल साहू जी यहाँ पे मौजूद है जो संसद है, इसके अलावा यहाँ पे विधायक मौजूद है
इसके अलावा तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पे मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पे मांग की चुटानों का अभिवादन यहाँ पे स्वीकार किया है और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए यहाँ पे तमाम किसानों के खाते में उनकी राशि पहुंच जाएगी। तो कृषि विभाग की तरफ से जो जिला गरियाबंद है उसके तहत में ये बोनस या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे इस तरह से उनके सामने भी लैपटॉप लिखे जाए क्या, उनको बताया गया कि इसके जरिए खातों का ट्रांसफर किया जाना है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इतने उत्साहित में जा रहे हैं कि पहले वो यहाँ पे किसानों से संवाद करेंगे, उनको यहाँ पे संबोधित करेंगे और उसके बाद इस संबोधित करने खाते यहाँ पे वो यहाँ पे किसानों को बोनस देंगे। अभी जिस तरह संतोष उपाध्याय जो विधायक है उनको बुलाया गया है बोनस के लिए। तो कुल मिलाकर जो जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि है वो अपने यहाँ पे बात रखते नजर आ रहे हैं और अपनी बातों के जरिए किसानों को जो एक तरह से आप ये भी देखिए कि मिशन 2018 के तहत यहाँ पे किसानों को सौदात के साथ साथ किसानों के लिए जो तमाम कार्य किए जा रहे हैं जो विकास कार्य है उसको यहाँ पे रेखांकित भी किया जा रहा है। वही आर के गांधी जी सवाल ये भी उठता है जो सरकार पूरे साल नहीं कदम उठा सकी, अब मिशन 2018 से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, तो गरियाबंद कैसा जिला है प्रदेश सरकार के लिए, क्या बोनस वितरण का फायदा मिशन 2018 में मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा क्योंकि किसानों की लंबे समय से मांग थी कि उनके फसल का वाजिब दाम उनको मिल सके और जिस तरह से लंबे समय से यहाँ पे संघर्षरत थे किसान और ये बात से दिल्ली तक पहुंच रही थी, दिल्ली में भी जो तमाम यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रख रहे थे। तो बोनस को लेकर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले चुनाव के समय बीजेपी के घोषणा पत्र में पहल करने की बात कही थी और उसके बाद से लगातार ये मांग उठ रहे थे कि किसानों को उनका उनको बोनस किया जाए, दिलवादा किया जाए। तो इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार से संवाद किया, उसके बाद में देखिए पिछले वित्तीय वर्ष का ये बोनस बांटा जा रहा है और जो इस वित्तीय वर्ष में जो धान की खरीदी होगी और उसमें जो बोनस दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसका वितरण अपने विकास यात्रा के दौरान करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए 6 महीने के अंदर ही 200 बोनस की राशि मिल जाएगी और देखिए बोनस राशि का जो प्रारंभ है पहले केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता था, राज्य सरकार ने शुरू किया, फिर केंद्र सरकार के तहत 50 रुपये बोनस की राशि, फिर राज्य सरकार 50 रुपये बोनस की राशि पहले देती थी 200 रुपये होता था, फिर केंद्र सरकार ने क्योंकि केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, केंद्र सरकार से जरूरी जाता है समर्थन मूल्य का निर्धारण करना, तो कई सारी चीजें थी जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सृष्टि मिल रही थी और राज्य सरकार को क्योंकि अपने ही राजकोष से देना होता है बोनस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर करीब 2100 करोड़ रुपए की जो जो राशि है वो राज्य सरकार बोनस बिहार के जरिए बोनस पाते में खर्च करी है। किसानों को दिवाली के पहले एक और दिवाली के जरिए यहाँ पर उत्सव मनाती नजर आ रही है बोनस बिहार के जरिए। जी वाकई आर के गांधी जी, एक दूसरा एक क्वेश्चन और यहाँ पर निकल कर सामने आता है, जहाँ भी प्रदेश के जिस जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बोनस तिहार के तहत पहुंचते तो विपक्ष को पर निशाना साधने से नहीं रोकते, ये विपक्ष के लिए करारा जवाब भी है? देखिए विपक्ष से बात किया तो देखिए अपने लोग भूमिका का निर्माण कर रहे हैं, विपक्ष ने फोर्सफुल अभियान यहाँ पर कर रखा है, इसके अलावा जो जोगी है वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, लिया उन्होंने अधिकार यात्रा निकालने का फैसला किया है। कौन मिलाकर कि यहाँ पे कांग्रेस इस बोनस के मामले पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बोनस को लेकर और इसके पहले जो सरकार की तमाम पक्ष है सरकार के तहत रखे जा रहे हैं, पहले यहाँ पे किसानों को जो ऋण मिलता था उसमें 10% के आसपास ब्याज दर थी उसको 0% यहाँ पे किया गया, जो विद्युत की दर थी उसको भी कम किया गया, 500 हॉर्स पावर तक यहाँ पे मुफ्त बिजली दी जाती है, तो किसानों के लिए किसान संबल बनाने के लिए जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसको रेखांकित भी सरकार कर रही है और वो इस बात को भी रेखांकित कर रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में और बीजेपी के शासनकाल में किस तरह की क्या क्या इसमें डिफरेंस है। सबको मिलाकर यहाँ से जो बोनस एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसको लगातार विपक्ष उठाती नजर आई थी, तो यहाँ से बोनस तिहार के जरिए बोनस की घोषणा करके कहीं ना कहीं इसके जरिए दाव के लिए कोशिश की गई है और तमाम जिलों में यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करीब 18 जिलों में पहुंचेंगे, 18 जिलों में पहुंच कर जो बोनस तिहार मनाया जाएगा वो सभी जिलों तक किसानों को बोनस पहुंचाने के लिए एक अभिनव पहल राज्य के तरफ से किया जा रहा है। वाकई ये किसानों के लिए फायदेमंद ही है और दीपावली से पहले ये तोहफा किसानों के लिए खुशी की लहर, ऐसे में आर के गांधी जी यहाँ पर हितग्राहियों को भी सौगात मिलने वाली है।
देखिए जो हितग्राही है, देखिए तमाम जगह से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये भी कोशिश कर रहे हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं है, राज्य सरकार की योजनाएं है, उसमें यहाँ पे योजनाओं के तहत में यहाँ पर हितग्राहियों को सौगातों का चुनौती देने की कोशिश है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, स्वास्थ्य उज्ज्वला योजना है, तो ऐसी तमाम योजनाओं के तहत ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उनको सौगात देते नजर आते हैं। तो हितग्राहियों के लिए भी जो हितग्राही है उनको भी इस मंच के जरिए उनको लाभान्वित किया जा रहा है कि जो सुस्त रेखा में आते हैं जैसे बीपीएल कार्ड धारियों के लिए जो योजना है, इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत में जो राशि निर्धारित की गई है कि 200 रुपए में ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर दिया था और अधिक से अधिक इसको फैलाने की कोशिश किया जाए, तो ये कोशिश जो है राज्य सरकार के तरफ से की जाती है और इस कोशिश के जरिए भी जो आयोग के लिए जो इनके लिए जो योजना है उन योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित भी किया जा रहा है। और लिहाजा यहाँ पे चाहे साइकिल वितरण की बात करी जाए, चाहे छात्रताओं को लिए यहाँ पर संदेश की अगर बात करी जाए, तो जिसके तहत प्रशासन है उन्होंने अपनी तैयारी कर रही थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है तो जिला प्रशासन ने भी इस आयोजन के लिए तमाम हितग्राहियों को भी लाभान्वित करने के लिए इकट्ठा किया कि उनको भी अधिक से अधिक तरीके से उनको लाभान्वित किया जाए और उनको उनका जो हक है वो उनको मिल सके। जो हक है उनको मिल सके, लेकिन आर के गांधी जी सवाल पहले ये भी उठता था कि अगर किसानों की मांगे मानी गई, किसानों को अगर यहाँ पर उनकी जो कर्ज है वो माफ किया गया, ऐसे सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा, इतनी ज्यादा खर्चा यहाँ पर देखा जा रहा है, अरबों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा? सरकार ने इसके लिए जो आर्थिक जो पहलू है उसको भी विचार किया है कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा और 2100 करोड़ के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक से भी अकाउंट दिया। ठीक है, जब समर्थन मिल की जो बात है इसमें कांग्रेस ने भी अपना वादा यहाँ पे रखा था, अपनी बात रखी थी और जो भी कांग्रेस ने भी कहा कि वो समर्थन मूल्य बोनस 2500 की बात कर रहे हैं जो समर्थन मूल्य बोनस के साथ काम की चीजें करेंगे और ये जो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं देखिए उनको कैसे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उनका अपना राजकोषीय तरीका है और वित्तीय जो प्रणाली है उसमें वो अच्छी बातें रख सकते हैं। तो वित्तीय प्रणाली के तहत में जैसे अच्छी चुकी कोई कहना है कि मेनपुर का जो इलाका है जहाँ पे काफी हीरा है उसको उससे यदि वो पैसा निकाल सकते हैं, राज्य से पैसा निकाल कर राज्य के पैसे कोई किसानों में डाल सकते हैं। चलिए आर के गांधी जी दोबारा आपसे जुड़ेंगे, आपको यहीं पर रोकते हैं और ब्रेक के बाद आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे इस बोनस त्योहार में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। फिलहाल इस बीच वक्त हो चला छोटे से ब्रेक के बाद चलना।